मिस्टर निकोल और अभी हम पटना का समझिए कि कैंसर हॉस्पिटल सवेरा हॉस्पिटल में डॉक्टर आशीष सर से हम बात करेंगे। कल सवेरा हॉस्पिटल 2 वर्ष कंप्लीट हुआ और ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया बहुत ही ज्यादा और इनके द्वारा आशीष सर के द्वारा बहुत ही ज्यादा रोबोटिक के थ्रू ऑपरेशन होता है और रिहैब सेंटर भी चलता है। सर से बात करते हैं कि सर क्या संदेश देना चाहते हैं, 2 साल कम्प्लीट हो गया सर। हाँ सर, सबसे पहले मैं सवेरा और सवेरा के परिवार को एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने 2 वर्ष निकाला है, काफी सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है, कैंसर की फुल सुविधा उपलब्ध की है और कल एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया था इसी सिलसिले में ताकि लोग जागरूक हों ब्लड डोनेशन के तहत। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले विगत 2 वर्षों में हमने रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, इनफैक्ट लास्ट ईयर 28 अगस्त को हमने रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जोड़ प्रत्यारोपण लॉन्च किया था और कल के दिन सवेरा के फाउंडेशन दिवस के दिन हमने एक दिन में 7 रोबोटिक घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण कर एक रिकॉर्ड बनाया जिसकी दर्ज हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कराया है। ओके सर, ये जो रिहैब सेंटर्स आपने जो भेजा उसके बारे में थोड़ा सर। हाँ, सवेरा कैंसर हॉस्पिटल रिहैबिलिटेशन क्या होता है कि कोई भी पेशेंट हो तो एक व्यवस्थित रूप में फिजियोथेरेपी, पेशेंट का देखभाल, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लगते हैं और हमारा काम है पेशेंट को जल्द से जल्द खड़ा कर देना, चाहे वो टूटा कमर लेके आया हो, चाहे कैंसर से पीड़ित हो, इसको रिहैबिलिटेट करना ताकि वो मनोबल जो उनका है वो टूटे नहीं और एक उम्मीद और विश्वास के साथ लाइफ में आगे बढ़ सके। और सर जनता जनार्दन को सर क्या संदेश देना चाहते हैं सर? 2 साल बहुत ही सक्सेस रहा सर, इसलिए सर क्या सर बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ से सर खुश होकर के गया, संतुष्ट होकर गया सर। फिट रहिए, फिट रहिए और जीवन शैली में बदलाव चाहिए, इसलिए चलते रहिए और चलने का नाम ही जिंदगी है। अभी हमारी खास बातचीत हुई आशीष सर से, डॉक्टर आशीष सर का सीधा कहना है कि फिट रहिए, हिट रहिए और जीवन में चलते रहिए। खबरों के साथ बने कुमार रोशन, भारत न्यूज 24। अभी अमित पांडे जी ने हमसे कहा भी है तो इसका बर्थडे है ना, मैंने कहा जैसे ऐसा देखा गया कि चूंकि कैंसर एक बहुत ही भयावह शब्द है और लगता है उसको होने पर कोई आदमी को लगता है कि भाई कैंसर हो गया तो उसके जिंदगी में अंधेरा आ गया, तो उसके लिए हम लोगों ने इस अस्पताल का नाम ही रखा सवेरा। सवेरा का मतलब हुआ कि अगर किसी के जिंदगी में कैंसर का डायग्नोसिस हुआ जो अंधेरापन आ जाता है उसके लिए एक सवेरा अस्पताल के रूप में ये सामने सवेरा हॉस्पिटल हमने प्रस्तुत किया है समाज को। इस अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कैंसर से रिलेटेड हैं और हम लोग निरंतर कोशिश किए जा रहे हैं तो और नई नई टेक्निक्स की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ अवेलेबल हो। आगे हमारे डॉक्टर बीपी सिंह आपको बताएंगे कि विगत 2 सालों में हम लोगों ने कितना इस अस्पताल में कैंसर का कितना इलाज किए हैं, साथ ही इस अस्पताल में चूँकि जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है इसलिए इस अस्पताल में ऑर्थोपेडिक यूनिट भी है जहाँ रोबोटिक सर्जरी द्वारा नी और घुटना और कूल्हा का प्रत्यारोपण भी होता है। रोबोटिक सर्जरी पूरे ईस्टर्न इंडिया में एक ही सेंटर है जो पटना है और इस रोबोटिक सर्जरी के द्वारा बहुत ही नए तकनीक से बहुत ही कम समय में घुटना और हिप का रिप्लेसमेंट होता है, वो भी एक नई चीज़ इस अस्पताल में है।